मचान खेती। ग्रामीण भारत में सभी छोटे बड़े किसान सदियों से लत्तर वाली सब्जियां उगाते आए हैं। खीरा, लौकी, तुरई, करेला, सेम, नेनुआ और परवल जैसी सब्जियां न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए उत्तम हैं। ये सब्जियां छोटे किसानों की जीविका का अभिन्न अंग हैं और वो इन्हें मौसम अनुसार लगाते हैं। देखा गया है कि लत्तर वाली सब्जियों को लगाने के लिए अक्सर किसी झाड़ी, झोपड़ी की छत या सूखी टहनी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह लत्तर या बेल चारों तरफ फैल जाती है और उस पर फसल उत्पादन शुरू हो जाता है। किंतु इस तरह गैर नियोजित तरीके से लत्तर वाली सब्जियां उगाने में उन्हें काफी नुकसान होता है। अस्त व्यस्त लत्तर फैलने से उनका रख रखाव ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। फल तोड़ने और दवा व खाद प्रयोग करने में दिक्कत होती है। फसल को ठीक प्रकार धूप और हवा न मिलने से उत्पादन में कमी आती है। इस तरह के नुकसान किसानों की आय पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इन समस्याओं से जूझने के लिए कुछ किसान मचान खेती विधि को अपनाते हैं, यानी सुयोजित तरीके से मचान बनाकर लत्तर सब्जियों की खेती करते हैं। पहले नुकसान बहुत होता था, मान ले कि जमीन वो फल गया, सब्जी गया, तो पानी पड़ता है, मट्टी पड़ता है, तो उससे हमको तो आधा गल सड़ जाता है। जब भी हम तोड़ाई करेंगे, जैसे कि मेरा 7 डिसमिल है या 8 डिसमिल उसमें करते, तो उसमें से जब भी तोड़ाई करेंगे तो 10 केजी 12 केजी तो मेरा बर्बाद हो जाता है। तो उसमें से मेरा 100-150 तो ऐसे नुकसान हो गया। मचान में तो एक भी नहीं उसमें बर्बाद होता है, उसमें तो सब ऊपर ही रहता है। नवंबर दिसंबर में तो परवल नहीं होते है ना, तो उसके बदले हम लोग नीचे वही दिए, पालक, धनिया है, वो कोई भी चीज़ है, उससे हमको लगा रहता है इनकम। तो मैंने कि कभी कोई महीना हम लोग को उसमें पैसा का कमी नहीं होता है। ये मचान को लगाने में ग्रुप को 2 दिन लगा है। टोटल जमीन है इसमें 8 डिसमिल है और इसमें खर्चा 1000 रुपया है। अब मचान लगाए हैं तो ये कोई भी सीजन में, बरसात में या फिर ठंडा में भी ये फसल निकलता है और इसमें से बेच रहे हैं। मचान खेती के बहुत सारे फायदे हैं। मचान पर लत्तर खुलकर फैलती है और भरपूर धूप और हवा ले पाती है। खरपतवार और घास भी कम निकलती है। एक बार मचान बना लेने के बाद 3 साल तक बार बार झांक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मचान खेती में कीट एवं बीमारी का प्रकोप कम होता है और फसल देखभाल आसानी से हो पाती है। और क्योंकि इस विधि से एक खेत में एक ही समय में 2 सब्जियां लगाई जा सकती हैं, इसलिए जमीन का बेहतर इस्तेमाल होता है। छोटे किसानों की आजीविका के लिए ये विधि बहुत ही फायदेमंद है। पानी का भी कम है और बारिश भी कम है, तो उसको यही बोलेंगे जमीन के लिए, क्योंकि मचान का खेती करने से एक फसल के जगह 2 फसल भी कर सकते हैं, दीदी लोग, दादा लोग, जो भी है। लत्तर वाला जो ऊपर मचान में रहता और जो मतलब नीचे जमीन के नीचे होता है फसल, वो जमीन पे ही रह जाता है। जमीन में फले हुए चीज़ थोड़ा उसी तरह थोड़ा खराब दिखता है और ये वाला फले हुए चीज़ अच्छा दिखता है, दिखने में भी अच्छा रहता है और लेने वाला भी अच्छा लेते हैं और मांग भी करते हैं। पिछला साल आया है 51,000 पैसा 3 फसल में, जैसे पटल, अदरक और आलू में। विभिन्न प्रकार के मचान। लत्तर वाली सब्जियों की खेती के लिए 3 मुख्य प्रकार के मचान बनाए जा सकते हैं। 1, वर्टिकल मचान यानी खड़ा मचान। 2, हॉरिजॉन्टल मचान यानी छतनुमा मचान। 3, ट्रायंगुलर यानी तिकोना मचान। खड़ा मचान। वर्टिकल मचान यानी खड़ा मचान ऐसी सब्जियों के लिए बनाया जाता है जिनकी फसल और पत्ती छोटी आकार की होती हैं, जैसे करेला, परवल और कुंदरी। छतनुमा मचान। हॉरिजॉन्टल मचान यानी छतनुमा मचान सभी तरह के लत्तर सब्जियों के लिए बनाया जाता है।
जो थोड़ी बड़ी या वजनी होती है, जैसे लौकी, उसे भी इस मचान पर किया जा सकता है। तिकोना मचान, ट्रायंगुलर या तिकोना मचान हल्की और छोटे आकार वाली सब्जियों के लिए बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए बांस का प्रयोग होता है। इस तरह का मचान कुछ ही किसान बनाते हैं। मचान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। 10 डिसमल जमीन के लिए तकरीबन 6.5 फुट लंबाई वाले 272 बांस के डंडे या बलियां, पेंट या जला हुआ मोबिल ऑयल, 3 फुट लंबाई वाले 75 से 80 खूंटे, 3 किलोग्राम पॉलीमर वायर, 1.5 किलोग्राम नायलॉन वायर या मछली की डोर, 1 इंच साइज वाली 500 ग्राम कीलें। इस सामग्री को जुटाना किसानों के लिए आसान है। बांस या बलियां गांव में मिल जाते हैं। बाकी सामग्री बाहर से खरीदने पर औसतन 1,000 रुपए तक का खर्च हो सकता है। खास बात यह है कि ये सामान हर साल खरीदने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसे लगातार 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। छतनुमा मचान बनाने की विधि। जैसे कि नाम से जाहिर है, छतनुमा मचान एक छत की तरह होता है। आइए देखते हैं इसको किस तरह बनाया जाता है। मचान विधि से खेती के लिए सबसे पहले गर्मी के मौसम में गहरी जुताई की जाती है, फिर 3 फुट चौड़ा बेड़ और 1 फुट चौड़ी क्यारियां बनाई जाती हैं, ताकि सिंचाई में आसानी हो सके। खेत तैयार करने के बाद खाका या लेआउट बनाया जाता है। लेआउट बनाने के लिए इंची टेप से रस्सी की मदद से प्लॉट पर निशान लगाएं और इसमें हर 4-4 फुट पर लकड़ी या चूने से निशान बनाएं। इन निशानों पर बाद में बांस लगाए जाएंगे। मचान में लगने वाले सभी बांस मजबूत और एक लंबाई के होने चाहिए, इसलिए बड़े बांसों में से 6.5 फुट लंबाई के 272 बांस के डंडे काट लें। अगर पहले से कटे मजबूत बांस हो तो उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बांस को जमीन में गाड़ने के लिए 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोदें और गाड़ने से पहले बांस के सिरों पर पेंट या मोबिल ऑयल लगाएं, ताकि उसे कीड़े आदि खा ना जाएं। गड्ढे में बांस गाड़ते समय ये सुनिश्चित करें कि वो सीधे और मजबूती से गड़े हों। फिर उनके ऊपरी सिरों पर कील की मदद से पॉलीमर वायर कसकर लपेट दें। ध्यान रहे कि पॉलीमर वायर एक ही ऊंचाई पर बांधा जाए। फिर इसे खूंटे की मदद से तान दें, ताकि मचान में ढील या झोल पैदा ना हो। पॉलीमर वायर को बांस पर तानने के बाद मजबूत मछली की डोर या नायलॉन के धागे से इसकी बुनाई की जाती है। बुनाई से ऐसा ताना बाना बनाया जाता है जिस पर लत्तर आराम से फैल सके और जो फसल लगने पर उसका भार उठा सके। खड़ा मचान। खड़ा मचान बनाने की सामग्री और विधि लगभग छतनुमा मचान के समान ही होती है, सिर्फ उसमें पॉलीमर वायर की बुनाई का अंतर होता है। इसमें एक बांस से दूसरी बांस तक आडी बुनाई की जाती है, ताकि मचान एक कतार की तरह तैयार हो। वर्टिकल मचान में कम वजन वाली सब्जियां उगाई जाती हैं, जैसे कुंदरी, सीम, बीन, बोदी, परवल, करेला, खीरा, नेनुआ। इस विधि में लौकी की खेती नहीं होती है। किसान के अनुभव के अनुसार खड़े मचान में खेती करने से उपज छतनुमा मचान से थोड़ी कम होती है।
लेकिन खड़े मचान में खाद, दवा का प्रयोग करने में, तोड़ाई करने में आसानी होती है। साथ ही साथ इस विधि से फसल लगाने में नीचे वाली जगह में सालों भर कोई भी दूसरी फसल ले सकते हैं। खासकर कम फैलने वाली फसल जैसे गोभी इत्यादि लगा सकते हैं। जबकि छतनुमा विधि में नीचे वाली जगह में छाया वाली फसल जैसे अदरक, हल्दी इत्यादि ही लगा सकते हैं। मचान का ढांचा तैयार होने पर मौसम अनुसार लत्तर वाली सब्जियां लगाई जा सकती हैं। समय, पानी और मजदूरी की बचत के लिए किसानों को नर्सरी से पौधे लेकर प्रत्यारोपण करना चाहिए। प्रत्यारोपण के समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। रोपाई से 15 दिन पहले ट्राइकोडर्मा का मिश्रण बना लेते हैं। पौधा रोपाई से 5 दिन पहले 4-4 फुट की दूरी पर 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा एवं 1 फुट गहरा गड्ढा बनाकर कीटनाशक जैसे नीमास्त्र से उसका उपचार करते हैं, ताकि पौधे की जड़ों में कीड़ा लगने का जोखिम कम हो। रोपाई से 4 दिन पहले प्रत्येक गड्ढे में 2-4 किलो गोबर की खाद एवं 1 मुट्ठी ट्राइकोडर्मा मिक्सचर मिलाकर भर देते हैं। प्रत्येक गड्ढे में 2-3 पौधे अलग अलग जगह पर लगाए जाते हैं। पौधे रोपाई के बाद उनको समय समय पर खाद, पानी, दवा इत्यादि देते रहें। मेरा जमीन ये लगभग 13-14 डिसमिल लगभग होगा, और इसमें जैसे कि सीड हुआ, जैविक सार हुआ, रासायनिक सार हुआ, कीटनाशक हुआ, और सेच में जो है टोटल मिला के लगभग इसमें 3000 तक खर्चा हुआ है। कोई अगर इसी मचान का खेती करेगा ना, तो इसमें पहले में ही जितना मेहनत है, बाद में और कुछ मेहनत नहीं है। ये खेती में लगभग मेरा 25000 तक हो गया, जबकि मेरा टारगेट इतना नहीं था। जैसे कि परिवार में जो जो ज़रूरत चीज़ है वो सब मतलब आसान से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। मचान विधि खेती छोटे किसानों के लिए वरदान समान है। क्योंकि इसमें ज्यादा लागत और मजदूरी नहीं है, इसलिए एकल महिला किसानों के लिए मचान खेती सशक्तिकरण का जरिया है। जिनके पास सिर्फ बाड़ी की जमीन है, वे किसान भी इस विधि से एक साथ 2 फसलें लगा सकते हैं। दीदी को इसमें बहुत आसान काम करने में, हम लोग काहे कि हम लोग धूप में पहले कुछ नहीं, मचान नहीं था, तभी धूप में भी हम लोग को काम करना पड़ता था। जब मचान लगा दिया तब धूप से भी बचते हैं, जब मचान हो गया तब से हम लोग तो आराम से भी कोड़ भी सकते थे, फिर पानी भी आराम से हम लोग पटा लेते हैं। इसमें तो हम लोग पहले झांक लाने जाते थे, जब से मचान लगाते हैं तब से हम लोग को झांक भी नहीं लाना पड़ता है, और जोताई करने में दादा को ऊपर निर्भर करना पड़ता था। लेकिन बाद में हम लोग मचान लगा दिए तो बाद में हम लोग को अपने से कोड़ के भी लगा सकते हैं, दादा के ऊपर निर्भर नहीं होता है। छोटे किसानों के लिए मचान खेती उनके संसाधनों का उपयुक्त प्रबंधन है। इसे अपनाकर वे सालों भर विभिन्न सब्जियों का सेवन भी कर सकते हैं, और साथ ही अपनी आजीविका में सुधार भी ला सकते हैं।